लाइफ एक जर्नी है और सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग जर्नी है अंदर का सफर। ये सफर हमें हमारे असली सेल्फ से मिलवाता है, जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खो जाता है। खुद को जानना सबसे बड़ा रहस्य सुलझाने जैसा है। ये हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस में गहरा गोता लगाने जैसा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों से रूबरू कराता है। ये इनर एक्सप्लोरेशन ही ट्रू फुलफिलमेंट की कुंजी है। ये सेल्फ डिस्कवरी और अवेकनिंग का रास्ता है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें क्लैरिटी और पर्पस मिलता है। हम अक्सर हैप्पीनेस को अपने बाहर ढूंढते हैं। हम पोजेशंस, रिलेशनशिप्स और अचीवमेंट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन ये सब टेम्पोरेरी होते हैं और हमें लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे सकते। लेकिन सच्चा आनंद तो अंदर ही होता है। सेल्फ नॉलेज एक कंपस है जो हमें हमारे असली नॉर्थ की तरफ वापस ले जाता है। ये हमें हमारे ट्रू डिजायर्स और एस्पिरेशंस को समझने में मदद करता है। ये एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ का फाउंडेशन है। जब हम अपने अंदर की जर्नी को एम्ब्रेस करते हैं तो हम एक डीपर सेंस ऑफ पीस और कंटेंटमेंट पाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन इस इनवर्ड जर्नी का एक पावरफुल टूल है। ये हमें अपने अंदर की गहराइयों में झांकने का मौका देता है, जहां हम अपने असली सेल्फ को देख सकते हैं। ये हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करने देता है। एक मिरर की तरह ये हमारी ट्रू नेचर को रिवील करता है। जब हम बिना किसी बायस के अपने इमोशंस को देखते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है। ये हमें हमारे मोटिवेशंस और डिजायर्स को समझने में मदद करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन से हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है। ये प्रोसेस हमें अपने गोल्स को रिफाइन करने में मदद करता है और हमें एक क्लियर पाथ दिखाता है। हम उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें पीछे रखते हैं। ये अवेयरनेस ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम उन हैबिट्स को भी पहचान सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये हमें कॉन्शियस चॉइसेस करने में इनेबल करता है। फिर हम अपने एक्शंस को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन कर सकते हैं। जब हम अपने डिसीजंस को अपने कोर बिलीफ्स के साथ सिंक करते हैं तो हमारी लाइफ में हार्मनी आती है। सेल्फ नॉलेज को अनलॉक करने के लिए मेडिटेशन एक और की है। ये प्रैक्टिस हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने का अवसर देती है। मेडिटेशन की स्टिलनेस में मन शांत होता है। हम प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करने में मदद करता है। ये हमें अपने थॉट्स को बिना बहके ऑब्जर्व करने देता है। मेडिटेशन इनर पीस और क्लैरिटी को कल्टिवेट करता है। ये क्लैरिटी हमारे डेली लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होती है। ये हमें मन की कॉन्स्टेंट चैटर से डिटैच करने में मदद करता है। स्टिलनेस के स्पेस में हमें अपनी ट्रू नेचर के बारे में इंसाइट्स मिलती हैं। ये इंसाइट्स हमें सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस की ओर ले जाती है। हम खुद को और क्लियरली देखने लगते हैं। मेडिटेशन हमें अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग को समझने में भी मदद करता है। सेल्फ नॉलेज के पाथ पर एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। हमें अपने हर हिस्से को एम्ब्रेस करना चाहिए। इसमें हमारे फ्लॉज और इम्परफेक्शंस भी शामिल हैं। इसका मतलब है खुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना। जब हम खुद के कुछ एस्पेक्ट्स को रिजिस्ट करते हैं तो हम अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। एक्सेप्टेंस हमें अपने होने के सभी पार्ट्स को इंटीग्रेट करने देता है। ये इंटीग्रेशन होलनेस लाता है। होलनेस में ही हमें ट्रू पीस मिलती है। सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट और डेडिकेशन चाहिए। जैसे जैसे हम डीपर डेल्व करते हैं, हमें खुद की नई लेयर्स अनकवर होती हैं। ये अनफोल्डिंग ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस की ओर ले जाता है। सेल्फ नॉलेज हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये हमारे रिलेशनशिप्स को एनहांस करता है। हम ज्यादा कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग बनते हैं। ये हमें ऑथेंटिकली जीने के लिए एम्पावर करता है। अंत में सेल्फ नॉलेज हमें इनर पीस और फुलफिलमेंट की जगह तक ले जाता है।